हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नियॉन नंबर। नियॉन नंबर क्या होता है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे जावा प्रोग्राम में। ठीक, सबसे पहले हमें ये जानना होगा नियॉन नंबर क्या होता है। ठीक, सबसे पहले अगर आपने कोई एक नंबर लिया तो कोई हमने एक नंबर कंसीडर, हमने एक नंबर क्या दिया 9। आपको सपोज हमने एक नंबर प्रोवाइड किया 9। ठीक है, अब ये 9 को आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। जब 9 को स्क्वायर करते हैं यहाँ पे आपको क्या फाइंड होगा, 9 इंटू 9। ऐसा आप लिखते हैं तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा 81। आपको एक नंबर फाइंड आउट होगा। अगर आपने सबसे पहले किया सपोज नंबर हमने 9 कंसीडर किया, फिर हमने 9 का क्या किया, स्क्वायर कर दिया, हमें एक स्क्वायर फाइंड आउट हुआ। अब हम जैसे हमें स्क्वायर फाइंड आउट हुआ, अब हमने क्या किया, स्क्वायर का सम हमें क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है। किसका सम, इसका सम चाहिए स्क्वायर। स्क्वायर मतलब आपको क्या है, 81। 81 का अगर सम ऑफ डिजिट देखेंगे यहाँ पे 8+1 इस तरीके से, तो आपको यहाँ फाइंड आउट हो जाएगा 9। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लेना है सपोज 9, उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्क्वायर आपको 81 फाइंड आउट होगा। देन आपको नेक्स्ट आपको उस पर्टिकुलर नंबर का सम ऑफ डिजिट करना है। जैसे सम ऑफ डिजिट करेंगे आपको 9 फाइंड आउट हो जाएगा। अब आपको देखना है अगर आपका जो ये 9 आया है, जो सम की वैल्यू है, आपका क्या करना है, सम डबल इक्वल रहता है ओरिजिनल नंबर। आपको क्या करना है, अगर सम की वैल्यू डबल इक्वल होती है ओरिजिनल नंबर के, ओरिजिनल नंबर आपका क्या है, मतलब सम आपका 9 फाइंड आउट, इसी तरीके ओरिजिनल नंबर भी आपका 9 है, तो 9 9 के अगर इक्वल होता है तो ये नंबर क्या होता है, नियॉन नंबर। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हमें जावा के थ्रू करना है। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करें, स्कैनर SC इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखा स्कैनर, फिर हमने यहाँ ब्रैकेट लिखा, यहाँ पे आपको लिखना है system.in। इस तरीके से आपको क्या करना है, system.in। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको स्कैनर क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट करना है। हमने यहाँ पे यूटिल पैकेज इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, हमने यहाँ पे जैसे स्कैनर क्लास लिया, इसकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है, यूटिल पैकेज के अंदर स्टोर है, फिर हमने पैकेज इंपोर्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे एक मैसेज प्रोवाइड करना है, हमने यहाँ पे एक मैसेज के लिए एक मैसेज दिया, system.out.println। हमने यहाँ पे एक मैसेज क्या दिया, यहाँ पर हमने लिखा इनपुट, हमने क्या प्रोवाइड किया, इनपुट, हमने यहाँ पे एक मैसेज प्रोवाइड किया। ठीक है, इस तरीके से अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे आना है। यहाँ पे हमें एक नंबर के लिए हमने एक नम टाइप का वेरिएबल लिया। ठीक है, जिसकी इनिशियल हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट करना है। यूजर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया हुआ है एस। ठीक है, SC लिया हुआ है SC डॉट। आपको यहाँ पे नेक्स्ट आईएनटी फंक्शन को सिलेक्ट करना है इस तरीके से सेम। जैसे आप num इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT करेंगे तो आपको एक नंबर प्रोवाइड करना है 9। हमने यहाँ पे एक नंबर कंसीडर किया 9। अब आपको क्या करना है, हमने जैसा आपको बताया था उस पर्टिकुलर नंबर का हमें स्क्वायर चाहिए। हमने यहाँ पे int, हमने स्क्वायर नाम का फंक्शन लिया, SQ नाम का एक फंक्शन लिया, मतलब वेरिएबल लिया। ठीक है, हमने क्या किया, SQ टाइप का एक वेरिएबल लिया। यहाँ पे मैट डॉट पावर भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नंबर इंटू नंबर किया, हमें वैल्यू फाइंड आउट हुई 9 इंटू 9, तो आपको फाइंड आउट हुआ 81। अब आपने ध्यान से देखा होगा स्क्वायर की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई, 81। हमने यहाँ पे एक नंबर प्रोवाइड किया 9 9 का हमने स्क्वायर कर दिया, जैसा आपको क्वेश्चन में बताया गया। फिर से नेक्स्ट लाइन पे आपको आना है। अब आपको ध्यान से देखना है, हमको सम करना है, हमें क्या करना है, डिजिट का सम कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिए, अगर 81 आपके पास नंबर है तो इसको हमको सम कैलकुलेट करना है। हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा, int। हमने यहाँ पे एक सम टाइप का वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियल यहाँ पे हमने फिक्स कर रखा है 0। हमने सम की इनिशियल वैल्यू क्या फिक्स कर दिया, 0। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, वाइल लूप एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, वाइल में आपको क्या कंडीशन देनी है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने वाइल लिखा, वाइल में हमने लिखा एक कंडीशन, वाइल लिखी है। अब हमने यहाँ पे किया, वाइल में हमने यहाँ लिखा नंबर ग्रेटर देन
जीरो, हमने क्या किया नंबर ग्रेटर देन जीरो, बट हमें नंबर का तो नहीं करना है, हमें किसका सम करना है स्क्वायर का। तो हमको यहाँ पे नंबर की जगह क्या लिखना होगा एस क्यू, हमें क्या लिखना हो स्क्वायर, हमें स्क्वायर का सम करना है तो हमने यहाँ पे एस क्यू ग्रेटर देन जीरो लिखा। फिर हमें नेक्स्ट लाइन पे आना है, यहाँ पे हमें मॉड कॉल करना है, हमने यहाँ पे इंट मॉड इज इक्वल, ठीक है मॉड कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे लिखा हमने एस क्यू मॉडुलस, क्या लिखा एस क्यू मॉडुलस 10, हमने क्या किया एस क्यू मॉडुलस 10 किया, हमें फाइंड आउट हुआ 1। फिर नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे सम इज इक्वल सम प्लस मॉड, हमने मॉड का सम करना है सम ऑफ डिजिट। अब हमें क्या करना है एस क्यू इज इक्वल टू एस क्यू डिवाइड, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले यहाँ पे सम ऑफ डिजिट का कोड लिखना है आपको। तो अभी हम आपको समझाते हैं कैसे हुआ, ठीक है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जैसे ये प्रोसेस आपका ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होना बंद होगा, मतलब एस क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो आप ध्यान से देखेंगे सम की लास्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी 9, ठीक है। जैसे 9 फाइंड आउट होती है आपको नेक्स्ट लाइन पे आना है, यहाँ पे हमने एक कंडीशन लिखा इफ, इफ में हमने क्या लिखा आपको इफ में आना है, यहाँ पे लिखना है सम जो आपका सम कहता है, अगर ये इक्वल होता है किसके ओरिजिनल नंबर के, आपका ओरिजिनल नंबर 9 है, देन यहाँ पे क्या आपको देखना है 9 अगर डबल इक्वल होता है 9 के तो क्या होगी ट्रू, अगर कंडीशन सपोज ट्रू है तो ये नियॉन नंबर का प्रोग्राम है, आपको मैसेज देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, हमने मैसेज दिया यहाँ पे, हमने लिखा यहाँ पे मैसेज क्या लिखा नियॉन नंबर, ठीक है नियॉन नंबर, ठीक है इस तरह से मैसेज दे दिया, यहाँ पे हम नंबर को भी प्रिंट कर दे रहे हैं प्लस हमने यहाँ पे नंबर को प्रिंट कर दिया, ठीक है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, अगर सपोज ये कंडीशन ट्रू होती तो देन ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो हमें यहाँ एल्स मैसेज देना है। ये हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे डिफाइन किया, आप ध्यान से देखिए ये प्रोग्राम आपके पास कम्प्लीटली हो जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक नंबर कंसिडर किया, सपोज आपने 9 कंसीडर किया, सबसे उसके सेकेंड स्टेप आपका है स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया 81, थर्ड स्टेप आपने सम कैलकुलेट किया, फिर हमने एक व्हाइल लूप चलाया जिसमें हमने सम ऑफ डिजिट का कोड लिखा हुआ है, ठीक है जैसे ये एग्जीक्यूट होगा वैसे सम की लास्ट वैल्यू आपको 9 फाइंड आउट हो जाएगी, अगर सम की लास्ट वैल्यू 9 फाइंड आउट होगी तो नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, अगर सपोज आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो सम के इक्वल हो जाता है देन नंबर क्या है नियॉन नंबर है, देन आपको क्या मैसेज मिलेगा नियॉन नंबर आपका जो नंबर होगा वो प्रिंट हो जाएगा, अगर ऐसा सपोज नहीं होता है तो आपको मैसेज आएगा नॉट नियॉन नंबर। इस तरीके से आप एक नियॉन नंबर का प्रोग्राम कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं, तो सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे रन एज पे आएंगे और जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से एक इंटरफेस आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये इंटरफेस आपके पास आता है तो आपको यहाँ पे एक नंबर प्रोवाइड करना है, सपोज हमने 9 कंसीडर किया तो 9 को हमने जैसे एंटर दबाया यहाँ पे ध्यान से देखिए आपके पास आउटपुट आ जाएगा नियॉन नंबर इज इक्वल टू 9, मतलब आपका प्रोग्राम एकदम करेक्ट, ठीक है। अगर आपने अनदर नंबर भी लेना चाहे तो यहाँ पे ले सकते हैं, सपोज हमने जावा एप्लीकेशन यहाँ पे 133 लिया तो वहाँ पे 133 का स्क्वायर करेगा और ये नॉट नियॉन नंबर आपके पास आ जाए, ठीक है। इस तरीके से आप ये प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम वर्किंग आपको समझाते हैं, तो सबसे पहले क्या किया हमने एक नंबर लिया, नंबर की वैल्यू हमने 9 कंसिडर किया, नेक्स्ट लाइन का है हमारे पास सम किया, हमने सम की स्क्वायर किया, स्क्वायर की लास्ट वैल्यू आपको 81 फाइंड आउट हुई, सम की इनिशियल वैल्यू आपके पास 0 फाइंड आउट, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपको यहाँ पे ले चलते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया 81 ग्रेटर देन 0 लिया, 81 ग्रेटर देन 0 कंडीशन क्या हो रही है ट्रू, जैसे कंडीशन ट्रू हुई नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आया मॉड कैलकुलेट करने के लिए 81 मॉड 10, आपको फाइंड आउट हो गया 1, हमने क्या किया 81 मॉड 10 तो आपको फाइंड आउट हुआ 1। फिर से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आया, यहाँ पे सम की लास्ट वैल्यू 0 थी, यहाँ पे ध्यान से देखिए सम की लास्ट वैल्यू क्या है 0 है, अभी जो आपने मॉड कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू है 1, अगर आप ऐड करेंगे तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा 1। फिर से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आया, यहाँ पे 81
डिवाइड बाई 10 किया, जैसे 81 डिवाइड बाई 10 किया आपको यहाँ पे 8 फाइंड आउट हुआ इसका क्वेश्चन। फिर से कर से क्या हुआ, वाइल लूप पे आएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, क्योंकि ये वाइल लूप है। तो यहाँ पे हमने लिखा 8 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या लिखा हमने, ट्रू। यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू, 8 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू। नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आया, यहाँ पे हमने क्या लिखा, 8 मॉडुलस 10, आपको फाइंड आउट हुआ कितना रिमाइंडर आया, 8 ही आएगा। अगर 8 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 8 फाइंड आउट होगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आया, यहाँ पे सम की लास्ट वैल्यू हमने आपको बताया 1 हो गई है चेंज होके, यहाँ पे 1+8 इज इक्वल टू कितना फाइंड आउट हुआ, 9। इस तरीके से आपने यहाँ पे सम कैलकुलेट किया, सम की लास्ट वैल्यू आपकी क्या फाइंड आउट हुई, 9। नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आया, यहाँ पे एस क्यू की लास्ट वैल्यू है आपके पास 8 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू कितना फाइंड आउट हुआ, 0। 8 डिवाइड बाई अगर 10 करते हैं तो आपको क्वेश्चन क्या फाइंड आउट होगा, 0। फिर से कर्सर वाइल लूप है, यहाँ पे 0 ग्रेटर देन 0 क्या हो रही है, फॉल्स। यहाँ पे ध्यान से रखिए 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। जैसे ये वाइल लूप फॉल्स होगा तो आपने ध्यान से देखा होगा सम की लास्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट हुई 9, सम की लास्ट वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई, 9। यहाँ तक समझ में आया होगा सम की लास्ट वैल्यू आपको क्या फाइंड हुई, 9। तो यहाँ पे आएगा लास्ट लाइन पे कर्सर, तो 9 डबल सम की लास्ट वैल्यू 9 है और नंबर भी क्या है आपका 9 है, बोथ कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। जैसे बोथ कंडीशन ट्रू हुई तो ये लाइन पे कर्सर आता है, यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल जाएगा, नियॉन नंबर इस तरीके से इजी का मतलब आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, ये नंबर जो भी आपने प्रोवाइड किया है वो पर्टिकुलर नंबर क्या है, नियॉन नंबर। इस तरीके से ये आप नियॉन नंबर का एक प्रोग्राम आसानी से अपने Eclipse ID पे कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम फिर से रन करके आपको चेक करते हैं, तो रन एज ऑप्शन पे आना है, जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक नंबर प्रोवाइड करना है, सबको तुमने 9 दिया, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आपके पास स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा, इनपुट 9 नियॉन नंबर इक्वल टू 9, जो मैंने मैसेज यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया था। सपोज आपको मैंने यहाँ पे नंबर दिया सेकेंड नंबर, कोई भी एक नंबर आप ले सकते हैं, सपोज हमने यहाँ पे सेकंड नंबर दिया 5 का स्क्वायर होता है 25, ये क्या है, नॉट नियॉन नंबर। यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया, नॉट नियॉन नंबर। इस तरीके से आप एक नियॉन नंबर का प्रोग्राम आसानी से Eclipse ID में कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू।